खेसारी लाल यादव भोजपुरी के कितने बड़े सुपरस्टार हैं ये आप जानते होंगे। लगातार उनकी फिल्म और उनके गानों को लेकर के विवाद खड़ा होता रहा है सुधीर सिंह से। वही सुधीर सिंह जो प्रभुनाथ जी के भतीजे हैं, महाराजगंज सीट की बात कर रहे हैं हम, वो सीट को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई थी और उसके बाद कितना भी बाद विवाद हुआ, कितनी बार सुधीर सिंह से हमने भी बात की, कितना कुछ निकल के आया ये आप जानते होंगे। लेकिन कल खेसारी लाल यादव पर वैशाली में कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला हुआ और उसको लेकर के खेसारी लाल यादव ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल में। फेसबुक लाइव करते हुए उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है सुधीर सिंह पर। सीधा सीधा कहा उन्होंने कि महाराजगंज सीट मुझे नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। और ये भी बात कही है कि यदि आपको अश्लीलता से नफरत है, यदि आपको अश्लील गाने पसंद नहीं आते हैं तो मुझे कहिए ना, मैं भी धरने पर बैठूंगा। जब मैं लाइव होता हूं या जब मेरी गाने निकलते हैं, मेरी फिल्म आती है तो लाखों लोग उसे देखते हैं, आपको क्यों ऐतराज है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो बहुत कोमल दिल के हैं, वो कलाकार हैं, उन पर इस तरह से हमले ना कराया जाए। साफ साफ उन्होंने इल्जाम लगाया है महाराजगंज की सीट को लेकर के। सुधीर सिंह कहीं ना कहीं विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं एक बार फिर से। कल जिस तरह से उन पर हमला हुआ था कार्यक्रम करते हुए, उन्होंने ये भी कहा है कि एक बोरा ईंटा उनके गाड़ी से निकला है, उन पर ईंटे बरसाए गए थे, साथ साथ जनरेटर का तार भी खींच लिया गया था, उसे हटा दिया गया था, उनकी हत्या की साजिश की गई थी, सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि इस पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे इसको लेकर के उन्होंने कोई बात नहीं कही है। लेकिन जैसे ही कोई बात निकल के आती है हम हर पल हर खबर के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। सुधीर सिंह से भी हम बात करेंगे क्या कुछ निकल के आता है। जो है भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।